अस्सलामुअलैकुम। हम आज बनाने वाले हैं चिकन डोनट्स, जो कि हम रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं। आप इफ्तार के टाइम पर इसको बना सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी और जायकेदार होता है खाने में। तो चिकन डोनट्स बनाकर आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। तो सबसे पहले हमने ये चिकन ले लिया है, ये चिकन का कीमा लिया है मैंने, 250 ग्राम कीमा है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पीसा है मैंने इसको, तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसमें चिकन के टुकड़े वगैरह छोटे छोटे जो रह जाते हैं अक्सर पीसने के बाद, वैसे नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो सबसे पहले हम जार ले लेंगे, उसमें हमने जो कीमा लिया है चिकन का वो डाल देंगे जार में। ये मैंने उबला हुआ आलू लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का आलू है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे इसमें। प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, सबको मैंने रफली चॉप किया है। कैप्सिकम लिया है ग्रीन वाला, आप चाहें तो इसमें रेड कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं है, सिर्फ अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, एक अंडा ऐड करेंगे, सूखे मसालों में 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग के लिए है, ये डालना ज़रूरी है और अंडा भी डालना ज़रूरी है, इससे बाइंडिंग आएगी हमारे जो मिक्सचर हम बना रहे हैं चिकन का, उसमें बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी। तो इसको स्मूथ पीस लेना है, ये देखिए इस तरीके से स्मूथ पीस लिया है मैंने। अब इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेट किया हुआ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। इसका जो होता है चिकन का फीलिंग डोनट का, वो थोड़ा स्टिकी सा होता है क्योंकि हमने उसमें आलू और अंडे का यूज़ किया है इसलिए, तो वो सेट हो जाएगा अगर हम उसे फ्रीज़र में रख देंगे तो। अब हम चीज़ी सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है और लो फ्लेम पर ही हमें सॉस को बनाना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है। उसमें 3 टेबल स्पून चीज़ ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून मायनीज ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर कंटिन्यू इसको विस्क करते रहना है। अगर आप फ्लेम हाई कर दोगे तो दूध फट जाएगा और आपकी जो सॉस है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए हल्का हल्का ठीक होना शुरू हो चुका है, लो फ्लेम पर कंटिन्यू इसको स्टर करना है। तो इस तरीके की थिकनेस चाहिए, ये परफेक्ट है, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा हमारा चीज़ सॉस बनकर रेडी हुआ है, इसके साथ खाने में डोनट बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो आधा घंटा मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था, ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अगर आपको फ्रीज़र से निकालने के बाद भी लग रहा है कि काफ़ी पतला है आपका मिक्सचर, तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए। ब्रेड क्रम्स डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो सही हो जाएगा आपका मिक्सचर। ये मैंने एक अंडा लिया है फेंट कर, ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल को हाथ में लगा लेंगे, हाथों को ग्रीस कर लेना है और बड़ा अमाउंट ले लेंगे डोनट के मिक्सचर का। और सबसे पहले हमें एक राउंड बोल बना लेना है और उसको फ्लैट करके डोनट की शेप दे देना है। ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, मीडियम ही बनाना है क्योंकि फ्राई होने के बाद फूल जाएगा तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा अपनी साइज़ में। डोनट की शेप देने के बाद ये मैंने एक ढक्कन ले लिया है बॉटल का, इसको सेंटर में प्रेस कर देना है, दबा देना है और मिडल की जो फिंगर है उससे इसको दबाते हुए बाहर निकाल देना है। जो बीच की उंगली है उसको मैंने प्रेस करके उससे ढक्कन को बाहर निकाल लिया है और इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखा है आपने कितना अच्छा बना है डोनट, बहुत ही आसानी से बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे बनाने में। जो फीलिंग है हमारी चिकन की वो बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल भी पतली वगैरह नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी है। तो इसको अंडे में डिप कर देंगे।
अब ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर देना है। तो इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको कोट कर देना है ब्रेड क्रम्स में। तो ये डोनट हमारा बनकर रेडी है। अगर आपका शेप इस वक्त थोड़ा बिगड़ रहा है तो आप हाथों की मदद से सेट कर लीजिए इस वक्त। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बन गया है ये। अब इसको साइड में रख देते हैं और सारे डोनट को इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और डोनट का जो हमने मिक्सचर बनाया है चिकन का वो उठा लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है छोटे साइज की तो आप उससे भी कट कर सकते हैं सेंटर में, और अगर नहीं है तो आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले ले और उससे कट कर ले। तो सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सारे डोनट्स को मैंने बनाकर रेडी कर लिया है, बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं ये। अब इस वक्त आप इसको फ्रीज़र में रख दे, जो प्लेट में मैंने इसको रखा है ये डिश को उठाकर आप फ्रीज़र में रख दे, और जब ये जम जाए फ्रीज हो जाए तब आप इसको ज़िपलॉक बैग में डालकर रख सकते हैं, 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप एयर टाइट कंटेनर ले ले उसमें भी आप इसको डालकर रख सकते हैं, और इफ्तार टाइम पर आप इसको निकाल के फ्राई कर लीजिए। रमज़ान में ज़्यादा टाइम नहीं होता है इन सब चीज़ें बनाने का, तो आप प्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, रमज़ान के पहले बनाकर रख सकते हैं और इसको फ्रीज कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो निकाल कर आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। अब इस टाइम पर आप इसको फ्रीज में रख ले, फ्रीज़र में रख ले या फ्रीज में रख ले, आधा घंटा या 10-15 मिनट उसके बाद आप फ्राई कर ले। बट मैं फ्रीज में नहीं रख रही हूँ, मैं डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं तो भी ये टूटेंगे वगैरह नहीं, कुछ नहीं होगा। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके डोनट्स। तो लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है जब तक ये डबल ना हो जाए, मतलब फूल ना जाए, क्योंकि चिकन अंदर से पूरी तरह से कच्ची है तो इसको फूलना चाहिए। ये देखिए फूल चुका है ये अच्छी तरह से, और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को लो ही रखना है ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए डोनट्स फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे डिश में, और बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है, ना टूटे हैं ना बिखरे हैं। और सारे डोनट्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं आप ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी है, और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये खाने में। जब आप इसको बनाओगे ट्राई करोगे तब आपको इसका टेस्ट पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी है खाने में। जो चीज़ सॉस मैंने बनाया था उसको मैंने बॉटल में डाल दिया है, उसको स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम डाल रही हूँ मैं इस पर कट किया हुआ। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन डोनट्स की रेसिपी बनकर रेडी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी।
तो ये देखिए अंदर से ये कितने सॉफ्ट बने हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से और बाहर से क्रिस्पी होते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है।